वीडियो में हम ADO.NET और ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ADO.NET मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए तो अब हम जानते हैं ADO.NET के बारे में। डेटाबेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए डेटाबेस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना डेटाबेस के हम किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हैं। ADO.NET ADO.NET इज द की कॉम्पोनेंट फॉर द डेवलपिंग डेटाबेस डेटाबेस एप्लीकेशन। किसी भी तरह का डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें ADO.NET का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ADO.NET के हम किसी भी तरह का कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ADO.NET जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ADO.NET ActiveX Data Object, ADO.NET का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ActiveX Data Object.NET, इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर डेवलपिंग द डेटाबेस एप्लीकेशन। सिंपल से लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो ADO.NET क्या है? ADO.NET बहुत सारी क्लासेस का एक कलेक्शन है जिसकी हेल्प से हम एक डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं जो ADO.NET है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं जिसकी हेल्प से हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं। ADO.NET सपोर्ट कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ADO.NET जो है वो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड दोनों ही तरह के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। हम जो है वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। कनेक्टेड एनवायरनमेंट रिक्वायर्स अ कंटिन्यू कनेक्शन टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द क्लाइंट एप्लीकेशन एंड द डेटा सोर्स। जो कनेक्टेड एनवायरनमेंट है उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक क्लाइंट एप्लीकेशन तैयार करना होता है। कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि आपने तैयार करा, एक आपको एप्लीकेशन की जरूरत होती है और एक आपको डेटा सोर्स की जरूरत होती है, और साथ में दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कनेक्शन क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अचीव्ड बाय यूजिंग कनेक्शन कमांड एंड डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह की क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटा सोर्स के बीच में हम क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम उसके बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाए। तो इसी काम के लिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कनेक्शन होता है, दूसरा पार्ट होता है वो होता है कमांड, और तीसरा होता है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यदि हमें डेवलप करना है तो उसके लिए हमें ADO.NET का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में हमारे पास हमें पूरी तरह की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले यूज होता था वो सिर्फ और सिर्फ ADO यूज होता था। पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाते थे, डेटा सोर्स से डेटा एक्सेस कर पाते थे। किसी भी तरह के डेटा सोर्स यानी डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर पाते थे, किसकी हेल्प से, ADO की हेल्प से, जिसका फुल फॉर्म होता है ActiveX Data Object। बट .NET फ्रेमवर्क आने के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने और ज्यादा से डेवलप किया और .NET के साथ मिलाकर इसे अगेन डिफाइन करा, तब जाके ADO.NET बना। तो अब क्या फैसिलिटी हमें मिलती है, अब हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम किसी भी तरह की .NET एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है वो विजुअल बेसिक का हो, सी शार्प का हो, जे शार्प का हो, किसी भी तरह का .NET एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम ADO.NET की हेल्प से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो ADO.NET है वो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों ही प्रकार से हमें डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है। और आज हम किसी भी तरह की लैंग्वेज का यूज करके, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं और डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करके इन दोनों के बीच में डेटा मैनिपुलेट कर पाते हैं। ADO.NET का एक जो मुख्य कारण हो, मुख्य जो काम होता है वो यही होता है कि एक क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटा सोर्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद ये क्या करता है, डेटा मैनिपुलेट करने की हमको फैसिलिटी देता है। और ये जो है डेटा मैनिपुलेट करने के लिए दोनों ही तरह के मॉडल का यूज करता है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। आप जो चाहे वो मॉडल आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें किसी भी तरह के डेटा सोर्स से डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है।
जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चाहे फिर हमारे पास डेटा सोर्स के लिए हम एसक्यूएल का यूज करें, फिर चाहे हम एमएस एक्सेस का यूज करें, चाहे हम ओरेकल का यूज करें, वो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। हम किसी भी तरह का कोई भी डेटाबेस यूज करके उसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं, साथ में डेटा एक्सेस कर सकते हैं, साथ में हम डेटा मैन्युपुलेट यानी कि बदलाव कर सकते हैं। तो ADO.NET जो है एक तरीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो हमें किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के डेटाबेस से जुड़कर उसके बीच में कनेक्शन कम्युनिकेशन करने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटा सोर्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विंडो फॉर्म, वेब फॉर्म और अदर्स। आप चाहें तो विंडो फॉर्म का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो वेब फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और दूसरा कोई यदि एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यदि आप विंडो फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो जैसे कि आप जानते ही हम विजुअल बेसिक पे काम कर रहे हैं। यदि हम वेब फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं ASP.NET का यूज कर सकते हैं। तो विंडो फॉर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्म को डिजाइन करते हैं। फॉर्म पे आप जितने भी कंट्रोल्स यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, डेटा ग्रिड व्यू, जो भी आप यूज कर रहे हो वो कहलाता है डेटा सेट। वो क्या कहलाता है, डेटा सेट, जिसकी हेल्प से आप अपना फॉर्म डिजाइन कर पाते हो। जितने भी आपने अपने फॉर्म पर टूल्स लेकर रखे हैं, जिसकी हेल्प से आप एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, डेटा सेट। और डेटा सेट का जो मेन काम ये रहता है वो डेटा सोर्स में से, डेटा सोर्स मतलब हमारा डेटाबेस, फिर चाहे वो डेटाबेस SQL का हो, ओरेकल का हो, या फिर MS Access का हो, किसी भी तरह के डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके, रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास डेटा एडेप्टर। डेटा एडेप्टर के बारे में यदि मैं आपको बोलूं तो डेटा एडेप्टर जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल का। वो क्यों होता है, क्योंकि डेटा एडेप्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम डेटा सेट और डेटा सोर्स, मतलब डेटा सेट मतलब हमारा फॉर्म, फॉर्म पर डिजाइन किए गए कंट्रोल्स, डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में हम कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं, जिसके हेल्प से हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाते हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन डिपेंडेंट रहता है, डेटा एडेप्टर। डेटा एडेप्टर के हेल्प से हम डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाते हैं। जिस कम्युनिकेशन जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, किसमें, डेटा सेट में और डेटा सोर्स में, जो भी हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो किसके हेल्प से कर पा रहे हैं, डेटा एडेप्टर की हेल्प से। अब जब हम डेटा एडेप्टर की हेल्प से हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो कम्युनिकेशन में हमें क्या करना होता है, डेटा सोर्स में या तो डेटा इंसर्ट करना होता है, या तो अपडेट करना होता है, या तो डिलीट करना होता है, या फिर डिस्प्ले करना होता है, हमें कुछ यही काम करना होता है। तो इन सब के लिए इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और डिस्प्ले, इन सब के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कमांड्स का यूज करना पड़ता है। कमांड एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाते हैं। मतलब कि बात करने का एक माध्यम जो होता है वो होता है कमांड्स। जैसे कि हम इंसर्ट कमांड चला सकते हैं, डिलीट और अपडेट, ये सारी जो कमांड्स होती हैं वो डेटा सोर्स में जाके चेंजेस को स्टोर करती हैं। बट एक डिस्प्ले कमांड, मतलब सिलेक्ट कमांड, एक ऐसी कमांड होती है जो डेटा सोर्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करती है, उसमें रखे गए डेटा को हमारे फॉर्म पर डिस्प्ले करती है। और इन सब काम को करने के लिए एक यूज होता है डेटा रीडर। डेटा रीडर जो होता है वो ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, डेटाबेस में रखे हुए डेटा को रीड करना। मतलब डेटाबेस में आपने जिस भी तरह का जो भी डेटा स्टोर करके रखा है, ये क्या करता है, उस डेटा को रीड करता है, और रीड करके हमें डिस्प्ले, मतलब रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले करने में भी हेल्प करता है। तो ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डेटा सोर्स मतलब हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस जो है जिसे कि आप ओरेकल का ले सकते हैं, आप SQL का ले सकते हैं, आप एक्सेस का ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो डेटा सोर्स हमारा हो गया एक तरीके का डेटाबेस, और इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्म को डिजाइन करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। और इसके बाद कम्युनिकेशन के लिए,
मतलब कम्युनिकेशन, इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में बातें, मतलब कह सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए हम इन सभी चीजों का, इन सभी मॉडल्स का यूज करते हैं। डेटा सेट मतलब जो हमने हमारे फॉर्म पर टूल्स ले रखे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, डेटा सेट कहलाते हैं। डेटा एडेप्टर जो होता है वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम इसके बीच में और इसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो भी चेंजेस डेटा सोर्स में होते हैं वो किसकी हेल्प से हो पाते हैं, डेटा एडेप्टर और कमांड्स की हेल्प से। कमांड एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में हम कमांड्स की हेल्प से डेटा सोर्स में बदलाव कर सकते हैं, मतलब डेटा रखा हुआ, डेटा सोर्स में रखा हुआ डेटा उसे मैन्युपुलेट कर सकते हैं। और डेटा रीडर क्या करता है, डेटा बेस में रखे हुए डेटा को रीड करके, रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो ये होता है एडीओ डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना इसके हम किसी भी तरह का कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हैं।